नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूं, दुखी न हो, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गाली गलौज करते आए हैं। पीएम ने कहा, देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके हितों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी समस्या है। मुरैना के लोग जानते हैं, समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उसे दूर ही रहना चाहिए। मोदी ने कहा, जवानों को हमने खुली छूट दी है। हमने कहा, एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए, एक गोला चलता है तो 10 तोपे चलनी चाहिए। वहीं भोपाल में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। इस दौरान सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे कि लोग जिन फूलों से पीएम का स्वागत कर रहे थे, उनकी भी 3 स्तर पर जांच हुई। पुख्ता पड़ताल के बाद ही फूलों की पंखुड़ियां लोगों को दी गई। यहां तक कि फूलों की पंखुड़ियों की मात्रा भी तय थी, 30 क्विंटल। सबसे पहले इन्हें SPG, फिर क्राइम ब्रांच और बाद में BDS ने चेक किया। इसके बाद फूलों को 5-5 किलो की पॉलिथीन में पैक कर पहले से तय नेताओं और राजनेताओं के सुपुर्द किया गया। बुधवार की दोपहर को भोपाल पहुंचे इन फूलों की सुरक्षा में 50 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।